हेलो, नमस्कार। संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय झा। इस वीडियो में मैं एक मूवी सॉन्ग जिसका कि ट्यून सेंस सीरीज पार्ट वन मैं पहले रिकॉर्ड करके आपको भेजा हूं, और ट्यून सेंस सीरीज का मतलब है कि आप खुद से उसे हारमोनियम पर निकालने की कोशिश करेंगे, और उसके विषय में भी मैं कुछ टेक्निक्स आपको बताता हूं कि किस तरह आप आवाज को समझ पाएंगे कि किस लेवल पर आवाज है। तो आप निश्चित रूप से प्रैक्टिस किए होंगे। अब उसी पार्ट वन का हारमोनियम के ऊपर बजा कर मैं आपको रिकॉर्ड भेज रहा हूं, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि आप जो पहले रिकॉर्ड पहले जो आप प्रैक्टिस किए हैं उसमें क्या क्या गलतियां थी, और आप स्वर को समझ पाए या नहीं ये आप उसे समझ सकेंगे। तो इसे ध्यान से सुने। चौदहवीं का चांद हो, तो जो पहले मैं रिकॉर्ड किया था बिना हारमोनियम के, उसमें हारमोनियम किस तरह बजा था वो ध्यान से देखें। चौदहवीं का चांद हो, फिर से चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, फिर से या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो, और धीरे से देखें। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। अब देखें पहला पैराग्राफ। जुल्फे हैं जैसे कांधे पे, फिर से जुल्फे हैं जैसे कांधे पे बादल बादल झुके हुए। दूसरी लाइन भी इसी तरह। आंखें हैं जैसे मैके प्याले भरे हुए, फिर से आंखें हैं जैसे मैके प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम, फिर से देखें, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम, वो शबाब वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो।
आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो, ठीक है। तो बहुत ही धीमी गति से पहले आप एक अस्थाई और एक अंतरा का प्रैक्टिस कर लें, और फिर पार्ट टू में मैं आपको सभी अंतरों का रिकॉर्डिंग करके दूंगा। आप इसे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, और मैं आशा करता हूं कि आप स्थाई को भी अच्छा से किए होंगे, और अभी इसे प्रैक्टिस कर लें, और उसके बाद फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।